आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसको लेकर अंबिकापुर के घड़ी चौक में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजियों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई। वहीं इस जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्वस्थ हो रहे हैं कि आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा पर निशाना भी साधा। आज जो ये जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है, और ऐतिहासिक मैं इसलिए कहूंगा कि भाजपा तमाम प्रकार की रणनात्मक करके सबको दमन पूर्व नीति, जैसे ईडी सीबीआई ईडी फीडी सीबीआई सबके प्रति जो कर रहा है, इससे पब्लिक और भी नाराज़ हो रहे हैं। और ये जो जीत है ना, ये बजरंगबली जी हमारे साथ हैं, महावीर बजरंगबली, कुमति निवार सुमति के संगी, तो ये आज हुआ है और सुमति की जीत हुई है। अब ये तो पूरा हिंदुस्तान में आज हमारी कांग्रेस पार्टी खुशी मना रही है। माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनने जाके 22 आम सभा लिया है। ये प्रधानमंत्री के मुंह में बहुत बड़ी तमाचा है। देश में भाजपा के नफरत के बाजार में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलाई गई। वहीं कर्नाटक की जनता ने भाजपा की नफरत की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। वहीं देश की जनता मोहब्बत चाहती है, और कर्नाटक विधानसभा में मिली बंपर जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत दोरनापाल में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी मनाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मना रहे हैं। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान और सभी पार्षदगण मौजूद रहे। दंतेवाड़ा के गिदम थाना क्षेत्र के रोजे तेंदू पत्ता फड़ में अज्ञात लोगों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि गिदम से बारसूर मुख्य सड़क के किनारे ही तेंदू पत्ता फड़ है, जहां एक ट्रक में आधा तेंदू पत्ता भरा हुआ था और फड़ में भी तेंदू पत्ते से भरे हुए बोरे रखे हुए। वही ट्रक में जब आग लगी हुई थी, तब ड्राइवर ट्रक के अंदर ही सो रहा था। सड़क से गुजर रहे बाइक सवार लोगों ने ट्रक में आग लगी देख ड्राइवर को उठाया, जिसके बाद ड्राइवर ट्रक को गड्ढे में ले जाकर पलटा। आग से ट्रक को बचाने की कोशिश पर आग से ट्रक और तेंदू पत्ता जल गया। फिलहाल पुलिस किसी भी नक्सली वारदात से इनकार कर रही है। जगदलपुर में परिणामों पर हर कांग्रेसियों की नजर टिकी थी, और जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई, छत्तीसगढ़ सहित जगदलपुर में कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं कर्नाटक में मिली जीत को लेकर कांग्रेसियों ने जगदलपुर के जिला कांग्रेस भवन में जमकर जश्न मनाया। वहीं विधायक कार्यालय के सामने एकत्र हुए कांग्रेसियों ने हनुमान जी के जयकारा लगाते हुए कार्यालय के सामने खूब आतिशबाजी कर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। से लेकर ये अभी ऊपर कश्मीर तक जिस तरह से हमारे माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा देते हुए अब पैदल चली थी, जो इन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा सत्याग्रह की थी, उसी का ही निश्चित परिणाम है। और ये नफरत जो इन्होंने फैलाया था, ये आने वाले समय में पूरे शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जनता जो गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। और कांग्रेस का ये ऐतिहासिक जनादेश ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान की जनता अब होने वाले 2023 में सभी राज्यों में और 2024 में केंद्र में होने वाले चुनाव में तक तो ताज भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से
कर्नाटक के राजनीतिक चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर जिस तरीके का बात बना रही थी, जनता समझदार है और पूरे देश में जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का, सद्भाव बिगाड़ने का जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ द्वारा लगातार किया जा रहा है और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर विधायक विक्रम ने कार्यकर्ताओं संग जश्न मनाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बना रही है। इस ऐतिहासिक जीत का पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। भागीदारी निभाई, एक देश को एक संदेश दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले वक्त में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी सभी समाज, सभी वर्ग और सभी जाति धर्म को एक मानकर चल रहे हैं। उसी का नतीजा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और अन्य जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर ये देश देख रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होगा और एक बहुत बेहतर भविष्य हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी की जीत है और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐतिहासिक जीत से कर्नाटक की जनता ने जो बहुमत दिया है, ये पूरे देश को एक नई रास्ते पे, नई दिशा पे ले जाने के लिए ये रिजल्ट मिला है। और आज से जिस तरीके से देश में झूठ और नफरत की राजनीति, बीजापुर में शहीद नारायण सोढ़ी की पत्नी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पति ने देश में अमन चैन के लिए अपनी शहादत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण करना बहुत ही गौरवपूर्ण का क्षण था। शहीद जवान की पत्नी सुशीला ने स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि मेरे पति ने अपने देश के लिए शहादत दी, उन्होंने देश में अमन चैन के लिए अपनी शहादत दी है। जगदलपुर में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने संवेदनशील वनांचल झीरम घाटी में 2,41,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शांति और विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की नीतियों के चलते बस्तर में शांति है और संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों तक विकास पहुँच रहा है। कनकापाल जैसे वनांचल में सड़क निर्माण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, बस्तर के सभी ग्राम देवी देवताओं की धन्यवाद। आज लेदा से कनकापाल तक सड़क का डामरीकरण, भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बस्तर की राजनीति के अपराजेय योद्धा आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।